कचरे खाने से लाए? किसे? तुम्हें? ये तो अम्मी को पता होगा ना। अरे मैं इस बोतल की बात कर रहा हूँ। ये तो मैं रिजवान से लाया हूँ। रिजवान ने कबाड़िया काम शुरू कर दिया? हाँ, बड़े फायदे का काम है। शक्ल से तो तुम भी कबाड़िया लगते हो। शहजादा लगता हूँ मैं? ये किसने कहा तुमसे? मेरे बाप ने। उन्होंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। निकल यहाँ से। ख्वाब में तो देखा है ना, और ख्वाब में तो मैंने तुम्हें पिंजरे में बंद भी देखा है। इस गंदी चीज को घर में लाने का मकसद क्या है तुम्हारा? मैं इस बोतल में मनी प्लांट लगाऊंगा। मनी प्लांट मतलब पैसों वाला पौधा? होश में तो हो तुम। ये एक प्लांट की किस्म है, और रिजवान कहता है जिसके घर में ये प्लांट लगा होता है ना, उसके घर में बहुत पैसा आता है। तो कंगला अपने घर में मनी प्लांट क्यों नहीं लगवा लेता? लगाया है तभी तो उसको इतनी भर भर के भीख मिलती है। उसकी जेबें हमेशा नोटों से भरी होती है। पता है ये बोतल है किस चीज की? शीशे की है, और किस चीज की। लेकिन हाँ यार, इस पे ये ढक्कन जो है बड़ा कदीम लग रहा है। लगता है काफी अरसे से खुली नहीं है। तो आप खोल के देख लें। ठीक है। अरे ये लोग मुझे देखकर भाग क्यों गए? मेरी शक्ल इतनी खौफनाक तो नहीं है। पहले मुझे आजाद किया और फिर भाग गए। वैसे घर तो अच्छा लग रहा है, चलो कुछ देर आराम कर लेती हूँ। वैसे भी बॉटल में पड़े पड़े थक गई थी। क्या हो गया? आगा मामू को देख लिया क्या? अरे आगा मामू से कौन डरता है? तुम उन्हें देखकर भीगी बिल्ली बन जाते हो। मैं तो बस उनकी इज्जत करता हूँ। जबकि घर में कोई उनकी इज्जत नहीं करता। वर्दा, आगा मामू नहीं आए। तो किससे डर के इस कमरे में आके छुप गए वकी? वो वर्दा, वर्दा वो बोतल में से परी निकल आई है। मैं मजाक नहीं कर रहा। अक्की, तुम्हें बहुत जहनी सदमा पहुंचा है, शायद इसीलिए तुम ऐसे हो गए हो। मैं कसम खा के कहता हूँ, बोतल में से परी निकली है। और वो परी क्या कह रही है? उसके कुछ भी कहने से पहले हम दोनों भाग गए। हम दोनों? स्वीट भी था ना। वो कहाँ गया? शायद अम्मी के कमरे में जाके छुपा होगा। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। इसलिए कि तुम गधे हो ना। मतलब बोतल में से परी के निकलना ये आम बात है? अरे मैंने बहुत किस्से सुने हैं। बोतलों के? परियों के, कि परियां बहुत अच्छी होती हैं। यार अब तक तो वो जा चुकी होगी। अरे बेवकूफ, तुम लोगों ने उसे आजाद किया है, और परियों को जब आजाद करते हैं तो वो ख्वाहिशात पूरी किए बगैर नहीं जाती कहीं। अनोखा वाकई। अरे इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, क्योंकि तुम तो अपने बाप पे गए। यू मीन मैं भी बेवकूफ हूँ? एवोल्यूशन, तुम बड़े होके तरक्की करके और बेवकूफ और अहमक निकल रहे हो। थैंक यू। एक मिनट, क्या मतलब है आपका? अक्की तो बड़ा अकलमंद था, वो क्यों भागा? अरे अगर अक्की में अकल होती ना तो कब का वर्दा को लेके अलग हो गया होता। वो तो ऐसे ही हमारे खानदान की गुलामी कर रहा है। तो अब क्या करें? चलो चल के देखते हैं अक्की की गुलामी को। अरे परी को थप्पड़ मार दिया। नहीं, इस बार थप्पड़ सही पड़ा है सईद भाई, आप एक परी से डर गए थे। चलो। ये तो वाकई में परी है। वर्दा कहीं मुझे अपने साथ काफ ना ले जाए। अब इतनी भी खूबसूरत नहीं हो तुम। ऐसी बात भी नहीं है, वो जिन्नी भी तो मुझे अपने साथ लेके जाना चाह रही थी। निगत? अच्छा है, निगत ले जाए तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, कहाँ है परी, कहाँ है परी, कहाँ है? ये लेटी भी नजर नहीं आ रही आपको? कितनी खूबसूरत है ना। ये सो क्यों रही है? पता नहीं कब से बोतल में बंद होगी, थक गई होगी बेचारी। जगाओ ना इसे। हाँ, ओके। एक मिनट, तुम्हारी शक्ल देख के डर जाएगी। वर्दा तुम इसे उठाओ। मैं इतनी भारी परी कैसे उठा सकती हूँ? अरे मैं खुद ही उठा लेती हूँ। अच्छी परी, अच्छी परी, उठो। अम्मी हंस क्यों रही है? तुम दूर हो जाओ वरना रोने लगेगी। नहीं नहीं, मुझे रोना नहीं आता। अच्छी परी, मैंने तुम्हें बोतल से आजाद किया। अम्मी, ना मैं झूठ बोल सकती हूँ और ना ही कोई मुझसे झूठ बोल सकता है। यस, मैंने तुम्हें आजाद किया। मुझे अक्की ने आजाद किया, तो मैं अक्की की तीन ख्वाहिशात पूरी करूंगी। बताओ कि तुम्हारी तीन ख्वाहिशात? एक मिनट, अच्छी परी तुम बहुत थकी हुई हो, हम जरा आपस में मशवरा कर ले, तुम थोड़ा आराम कर लो। नहीं नहीं, मुझे मशवरा कुछ नहीं करना, मेरी छोटी छोटी तीन ख्वाहिशें आप सुन लो। वर्दा अपने अहमक शौहर को संभालो। अक्की, तुम मुझसे भी मशवरा नहीं करोगे? करूंगा बेबी, तुमसे तो करूंगा। तो फिर चले। कहाँ? गोल मेज कॉन्फ्रेंस। ओके 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 ओके। देखे, मैं जानता हूं जो आप लोग कहेंगे। चुप बेटा, तुम बहुत साथ दे हो, मुझे पता है। तुम छोटी छोटी घटिया घटिया ख्वाहिशात करके हमारा अमीर होने का मौका जाया कर दोगे। छोटे लोगों की छोटी ख्वाहिश। मैं तो अम्मी की सेहत की ख्वाहिश करने वाला था। लो भाई, इतनी अट्टी घट्टी तो है, अब इससे अच्छी सेहत क्या होगी? घटिया इंसान, तुम्हें पता नहीं मेरे पैरों में किस कदर दर्द होता है। पूरे सिटकॉम में एक सोफे में बैठी रहेंगे तो दर्द तो होगा ना। एक मिनट, अक्की तुम अम्मी की ख्वाहिश अम्मी को दो और मेरी ख्वाहिश मुझे देना। और एक ख्वाहिश मुझे भी दे दे भाई, एक ख्वाहिश मुझे दे दे, मैं सारी जिंदगी आपका एहसानमंद रहूंगा। ठीक है, मैंने तो आप तीनों के बारे में
मैंने पहले से सोचा हुआ था। मेरे घर वाले खुश, इससे बढ़ के मुझे और क्या चाहिए। ओए, ओए। काश काश अक्की तो मेरे सगे बेटे होते। अम्मी दामाद भी सगा होता है जी। अम्मी जान अब चले ना, परी से अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाते। हाँ चलो चलो। नहीं नहीं नहीं, एक एक करके जाते, अगर जमघट्टा लगा लिया तो परी घबरा जाएगी बेचारी। हाँ बात तो ये ठीक है। अरे मैं जाता हूँ ना, मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे आखिर में जाते हैं, समझ आइए। बात थप्पड़ मारे बगैर भी की जा सकती थी। वो दरअसल अक्की ने अपनी ख्वाहिशात आप तीनों को दे दी है। अच्छी परी आपको कैसे पता? मैं परी हूँ, परियां सब जानती हैं। देखो अच्छी परी, मेरी ख्वाहिश है कि आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए आ जाए ना। सही 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 सही, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। हेलो जी, बैंक मैनेजर जी बोलिए। मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आ गए। अनुका नहीं नहीं नहीं, मेरे ही है, मेरे ही। दरअसल मेरे एक अजीज थे, वो मरते हुए मेरे नाम कर गए अपनी जायदाद। हाँ जी ओके। बैंक से फोन था, मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आ गए। अब आपको प्लानिंग भी करनी होगी ना कि पैसे कैसे खर्च करूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस आप कमरे में चली जाएं और प्लानिंग कर ले। ओके थैंक यू अच्छी परी, थैंक यू। अम्मी की ख्वाहिश पूरी हो गई होगी, अब मैं जा रहा हूँ। तुमने सोच लिया है कि तुमने क्या मांगना है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर अंदर जाके क्या करोगे? तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर अंदर क्यों जा रहे हो? तो तुम चली जाओ। अरे मैंने भी अभी तक नहीं सोचा, मतलब सोचा तो बहुत कुछ है लेकिन कुछ फाइनल नहीं हुआ। बेबी तुम अपनी वो वाली ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी करवाती जिसमें तुम अपनी कंपनी की ओनर हो? और बॉस ने प्यून प्यून ज्यादा इज्जत नहीं दे दी। चलो झाड़ू मारने वाला रख लूंगी। अरे वो झाड़ू कैसे मारेंगे, इतने मोटे, उनको तो चौकीदार रख लेना। और वो चौकीदार मेरे दरवाजे खोला करें। और वो हर रोज तुम्हारी डांट खाएंगे दरवाजा लेट खोलने पे। एंड करो ये ड्रामा, अंदर जाके अपनी ख्वाहिश तो करो। अक्की ये ठीक तो है ना? तो क्या तुम मुल्क की वजीर आजम बनना चाहती हो? नहीं नहीं नहीं, ये वजीर आजम नहीं, कंपनी की ओनर ठीक है। तो जाओ बोलो ना। अक्की तुम्हें मैं अपनी कंपनी में CEO रखूंगी। नहीं बेबी, मैं यहाँ पे घर जमाई बिल्कुल खुश और ठीक हूँ। अरे वाह शाबाश। अरे थैंक यू थैंक यू। अक्की भाई वो अच्छी बड़ी कब से घर में बैठी हुई हमारे, हमने उसे खाने पीने का नहीं पूछा। अरे पूछना क्या है, चलो किचन में मेरे साथ, उसके लिए बनाते हैं कुछ। हाँ ठीक है चले। एक मिनट, शायद में जी कॉल आ रही है। आप एक काम करें, किचन में पहुंचे, मैं से बात करके आता। जी जी सर। हाँ सईदमीर जी, तेरे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? भाई देख, अगर तू मुझसे मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूछ रहा ना, तो वो तो ये है कि मैं एक जगह बॉलिंग खेल रहा हूँ, वहाँ पर शीशा पीने का भी इंतजाम हो और एक रेस्टोरेंट बनाऊँ जहाँ के वेटर मुझे खाना बना बना के लाके देते रहे। छोटा आदमी छोटी ख्वाहिश कर सकता है। अबे क्या मतलब है छोटी ख्वाहिश? अबे तेरे पास अपने बॉलिंग खेलने के पैसे तो होते नहीं है, वो टिकट भी मुझे खरीदना पड़ता है। अबे बॉलिंग और शीशे से बाहर है मेरे दोस्त, कुछ बड़ा सोच। बड़ा सोचू? चल फिर एक काम कर, मेरा सबसे बड़ा बॉलिंग कर डाओ। बहुत ही गरीब आदमी है यार तू। बेटा मेरा बाप फैक्ट्री ओनर है, तुम क्या हो? यही तो तुझसे पूछ रहा हूँ मेरे दोस्त के मुझे क्या होना चाहिए। अच्छा अगर मैं बता दूं तो तू हो जाएगा? हाँ तो मेरे काम कर, तू दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बन जा। मैं फोन रख रहा हूँ, तेरे पास अकल ही नहीं है। अबे तो तेरे पास कौन सा अलादीन का चिराग आ गया जो तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही है? तू सारी जिंदगी टुच्चे का टुच्चा ही रहेगा। अब मैं तुझे बताऊंगा कि मैं हूँ कौन, बस थोड़ा सा वेट कर ले तू। मैं जानता हूँ तू स्वीट है जो गली की मातियों से पैसे उधार मांगता रहता है हर वक्त। तेरी तो कंपनीज तो बहुत सारी हैं। आप किस कंपनी की ओनर बनना चाहती हैं? मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी की ओनर बनना चाहती हूँ, मैंने सुना है इसमें बहुत पैसा है। आपकी कंपनी में 1,000 लोग तो होने चाहिए। 1,000 एम्प्लॉयज? और 100-150 तो हेड ऑफिस में भी एम्प्लॉयज होने चाहिए। अच्छा अच्छी परी तुम कितनी अच्छी हो ना, जल्दी जल्दी मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो बस, चलो जल्दी। लो हो गई तुम्हारी ख्वाहिश पूरी। हो भी गई, तुम चलती। मैम मैं आपको आज की शेड्यूल मीटिंग्स बताने आई हूँ। तुम कौन हो? मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। ओह हाँ 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 हाँ। सबसे पहली मीटिंग आपकी फॉरेन बायर से है जो कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। ओके फिर आपने कंपनी जाना है जहाँ पर आपने वर्कर्स की एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस पर बोनस का ऐलान करना है। वेरी गुड वेरी गुड। फिर आप लंच करेंगी, उसके बाद आपने गवर्नर साहब से मीटिंग करनी है। गवर्नर के साथ मीटिंग, उस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा? मैम जो लास्ट फ्लड में आपने गरीबों में मेडिसिन तकसीम की थी वो इसके बदले में आपको शील्ड देना चाहते हैं। फिर आपको बाकी स्केड्यूल आप इन्हें रास्ते में बता दीजिएगा। ओके मैडम। वरदा आप जाके अपनी मीटिंग के लिए तैयार हो जाएं। मैम आप रेडी हो जाइए, बाहर गाड़ी खड़ी है। कौन सी गाड़ी है? देखिए मुझे छोड़ के मत जाइएगा, मैं अभी अभी तैयार हो क्या। जाइएगा मत आप, जाइएगा मत। अक्की भाई मैं सोच रहा हूँ पापड़ की फैक्ट्री मांग लूँ। अरे अपनी नहीं तो कुछ हमारी इज्जत का ही ख्याल कर लो। पापड़ की फैक्ट्री मांगने में क्या हर्ज है, बड़े बड़े खापड़ पापड़ ही तो बनाते हैं। जाओ मांगो जाओ। पापड़ की फैक्ट्री नहीं यार,
क्यों नहीं? आधे पापड़ तो मैं खुद खा जाऊंगा, नुकसान हो जाएगा। तुम अपने लिए ना एक खूबसूरत सी लड़की मांग लो जो तुमसे शादी कर ले। शादी तो मेरी वैसे भी हो जाएगी। अच्छा, तुम्हारे जैसे निकम्मे और निखट्टू की नहीं होगी। अच्छा, अपने बारे में क्या ख्याल है? आप तो कंगले और फकीर थे और अब देख ले आपकी शादी हो गई। मैं कंगला और फकीर जरूर था लेकिन निकम्मा और निखट्टू नहीं था। बस यार, मैं एक स्पोर्ट्स बाइक मांग लेता हूँ। स्पोर्ट्स बाइक? कुछ दिनों बाद तुम्हारा दिल उठ जाएगा उससे। अबे भाई, क्या फिर सोने की कान मांग लूं? सोने की मांग ले स्वीट। अगर तेरी सास पूछते भी निकम्मे और निखट्टू पैदा हुई ना, ये सोना कभी खत्म नहीं होगा और रेट भी बढ़ता जाएगा। नहीं कर यार, कसम से। लेकिन वो सोने की कान दे देगी मुझे? परी है अम्मी जान, थोड़ी के 2000 रुपए मांगो तो थप्पड़ देती है। ये बात भी ठीक है, मैं अभी जाके उसे अपनी ख्वाहिश बताता हूँ। हाँ यार, सबकी ख्वाहिशात पूरी हो गई, अक्की बस तू ही रह गया। नहीं लेकिन अल्लाह पाक आपका शुक्र है, आपने मुझे इतनी अच्छी बीवी दी, इतना बड़ा बंगला दिया, मेरी तो सारी ख्वाहिशात वैसे ही पूरी हैं। अच्छी परी, मैं तुम्हारे लिए भी अच्छी सी चाय बना के लाता हूँ। अच्छी परी, मुझे ना सोने की कान चाहिए। सोने की कान? मतलब तुम चाहते हो कि तुम्हारे कान सोने की हो जाए? नहीं, कान जिसमें से सोना निकलता है। कानों में से तो मैल निकलता है। तुम लोग उसे सोना कहते हो? अरे मैं कहाँ सर मारूं जाके मालिक। सर मारने से कान सोने के हो जाएंगे? देखो अच्छी परी, कान से मुराद माइन माइन। हाँ हाँ, माइन का मतलब मेरे। तुम्हारे कानों की ही तो बात कर रही हूँ मैं। अरे वो माइन जिसमें से सोना खोद के निकालते हैं। क्यों, मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती, मैं तो मजाक कर रही थी। ये लो, अब दुनिया की सबसे बड़ी सोने की कान जो कि साउथ अफ्रीका में है वो तुम्हारे नाम पे हो चुकी है। वाकई? कुमारी, कुमारी, कुमारी। नो नंबर। हेलो, हाँ जी, मैं स्वीट बात कर रहा हूँ। अनोखा। क्या आप मेरे प्राइवेट जेट के पायलट बात कर रहे? अभी कहाँ जाने? मुझे डालो। लो, मैं रिक्शा पकड़ के 10 मिनट में आ रहा हूँ। बस 10 मिनट में आ रहा हूँ मेरे भाई। ओके ओके, प्राइवेट जेट, ये क्या हो रहा है? लुलू, लुलू, वाह वाह वाह, तो खुदा ने गंजे को नाखून दे ही दिए। ये चाय आप मेरे लिए लाए होंगे? जी अच्छी परी, ये चाय मैं आपके लिए लाया हूँ और ये बिस्किट भी मैंने अपने हाथों से बेक किए। अच्छी परी, अब आप कहाँ जाएंगी? कोकाफ, अपनी दुनिया में। वो कोहे काफ के बादशाह की बेटी को जानती है आप? लंबी वाली निगत ना? हाँ मैं जानती हूँ। क्या वो वाकई में चुड़ैल है? हाँ, बहुत बदसूरत है। लेकिन यहाँ तो वो इंसानी सूरत में आती है। अगर तुम उसकी शक्ल देख लोगे ना तो तुम्हें हार्ट अटैक हो जाएगा। अच्छी परी, वैसे कोई काफ की शहजादी तो आपको होना चाहिए था। पता है कि अच्छे लोगों को इन चीजों की ख्वाहिश होती ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मेरे घर वाले ना थोड़े लालची हैं। सिवाय तुम्हारे। ओए ओए। जी मैं तो बस ऐसे ही। तुम बहुत अच्छे हो की, और ये चाय भी। बहुत शुक्रिया आपका अच्छी परी। 5 करोड़ परी देगी, पहले मेरे पास थे जमा 20 लाख, कितने हो गए? 5 करोड़ 20 लाख और जेवर तो होंगे मेरे पास कुछ 15-20 लाख के लगा लो। चलो जमा 20 लाख, कितने हो गए? 5 करोड़ 40 लाख। अम्मी जान, यू स्टपिड बॉय, इजाजत के बगैर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मी जान, वो अच्छी परी वापस कोहे काफ जा रही है। तो क्या मेरी पीठ पे बैठ के जाएगी? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आप उसे खुदाफिस नहीं कहेंगी? अभी मैं कोई जरूरी हिसाब किताब कर रही हूँ। अम्मी जान, ये जो आपको करोड़ों रुपए दिए, ये अच्छी परी नहीं तो दिए? यू, तुम मेरी जिंदगी के लिए अजाब मत बनो, मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी दौलत के बारे में सोचने दो। अम्मी जान, इतना दौलत के बारे में सोचते सोचते कहीं आप पागल ना हो जाएं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जी, जब भी तो अपनी ख्वाहिशें आप लोगों को दे दी। ताना मत दो, जो होना था वो तो हो गया। माशाल्लाह, आप तो बड़ी तोता चिशम निकली अम्मी जान। हाँ हूँ, क्या कर लोगे? कुछ नहीं, जब आपके शौहर ही आपका कुछ नहीं कर सके तो मैं एक नाचीज सा घर जमाई आपका क्या बिगाड़ लेगा? आउट आउट, अभी मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। जा रहा हूँ अम्मी जान, जा रहा हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं है। यू स्टपिड बॉय, अभी आगा को फोन करती हूँ, जेल में चक्के पिसवाऊंगी तुमसे कोट लगवा के। आगा मामू भी तो आप ही की तरह लालची है, ऐसा ना आपके करोड़ों रूपए गन पॉइंट पे ले जाए। आगा को कौन बताएगा मेरे पास इतने पैसे? मैंने, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। अरे इस कंगले से बनाओ के रखनी पड़ेगी जबरदस्ती, क्या करो? हाँ अबे जा बे, तेरे घर के पास 100 रुपए फेंके जाऊंगा, पेट्रोल डलवा लियो। सॉरी सर, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने प्राइवेट जेट में होनोलुलु जा रहा हूँ। होनोलुलु, आपको पता है होनोलुलु है कहाँ? हाँ मुझे पता है, अफ्रीका में। नहीं सर, ये एक छोटे से मुल्क हवाई का शहर है। हवाई?
वो तो बहुत दूर है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको पहले ही बता दूं, वरना आपका पायलट आपको जाहिल समझता। भाई अब आप मुझ पे जुकते नहीं मार सकते। क्यों सर? मैं दुनिया की सबसे बड़ी सोने की कान का मालिक हूँ। वैसे शक्ल से तो आप किसी दो पहिए वाली साइकिल के मालिक भी नहीं लगते। तमीज से तमीज। वही सिखाने आए हूँ आपको सर। जिस परी ने आपको ये सोने की कान दी है वो अपने घर जा रही है। अच्छा अभी तक गई नहीं वो? आप उसे खुदाफिज कहना तो पसंद करेंगे ना? नहीं भाई मुझे देर हो रही है, तुम उसे खुदाफिज कह दो। इसका मतलब परस्ती के तो आप बेताज बादशाह बन चुके हैं। मैं तुम्हारे जैसे छोटे लोगों के मुंह नहीं लगता। मैं तो छोटा आदमी हूँ लेकिन आप तो इंतहाई गलीस इंसान है। तुम्हें शायद मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। बड़े थप्पड़ मारे मैंने आपको सर, आपसे ज्यादा बुजदिल इंसान तो इस पूरी दुनिया में नहीं है। थप्पड़ मारो। हाँ तो मैं जा रहा हूँ सूट पहन। होनोलुलू। सूट पहन के? सूट पहन के मैं होनोलुलू जाऊंगा। सर वो एक बीच सिटी है, वहाँ लोग सूट नहीं पहनते, वहाँ रंग बिरंगी शर्ट्स और शॉर्ट्स पहनी जाती हैं। तो रास्ते से खरीद लूंगा। सर आप होनोलुलू जा रहे हैं या हॉक्स में? यू शर्ट अप। थैंक यू। मेरा सूट कहाँ है? ओह मेरा सूट। वैसे ये लोग मेरी तवक्को से ज्यादा घटिया निकले। पैसा आ जाने के बाद कहीं वर्धा का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नो 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 इम्पॉसिबल, शी इज अ डार्लिंग, अ स्वीट हार्ट। वर्धा बेबी वो अखी, तुम्हें पता है बाहर मेरी पीए और शोफर वेट कर रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस। और मेरी कंपनी में पूरे 1000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। अच्छा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे हेड ऑफिस में पूरे 150 लोग काम करते हैं। वाह। और तो और मेरी गवर्नर साहब से मीटिंग भी है आज। गवर्नर से? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि मुझे तो ये सब बहुत अच्छा ख्वाब लग रहा है। वो ख्वाबों को पूरा करने वाली वापस जा रही है वर्धा। कौन? वो अच्छी परी। ओ ओ वो गई नहीं वापस? नहीं बेबी, चलो ना चल के उसे सी ऑफ करते हैं। अखी मैं लेट हो रही हूँ, मुझे इतने काम है, मैं बहुत बिजी हूँ। बेबी तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो अच्छी परी का दिया हुआ है। तो क्या सारी जिंदगी उसके कदमों में पड़ी रहूंगी? अखी से मुझे सूट नहीं करता। मैं तो सिर्फ खुदाफिज करने का बोल रहा हूँ यार। खुदाफिज खुदाफिज खुदाफिज, तुम मेरी तरफ से जाकर उसे खुदाफिज कह देना। वर्धा तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। मैं इस मुल्क की बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, समझ में आई? बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई। क्या समझ में आई? हाँ क्या समझ में आई? कि तुम भी अपनी अम्मी और भाई की तरह निहायत ही मतलबी औरत हो गई हो। अक्की यू शट अप। तुम तीनों मुझसे मेरी तीन ख्वाहिशें लेके मुझसे ही बदतमीजी कर रहे हो। तुम्हें क्या पता कि ख्वाहिशें कैसे की जाती हैं? ये बहुत ज्यादती है वर्धा। बस बहुत हो गया, उस अच्छी परी को खुदाफिज कहो, हमें उसकी और जरूरत नहीं है। मेरा दिल चाह रहा है कि क्या क्या दिल चाह रहा तुम्हारा? नहीं बताऊंगा। नहीं बताओ? गेट आउट, गेट आउट ऑफ माय रूम राइट नाउ। बाकी सब कहाँ हैं? अच्छी परी उनमें से कोई भी तुम्हें खुदाफिज कहने के लिए नहीं आया। मैं जानती हूँ। कैसे? क्योंकि मैं परी हूँ ना। फिर तो तुम ये भी जानती होगी कि मेरे घर वाले कितने खुदगर्ज हैं। तुम चाहते हो कि सब यहाँ आए? हाँ तुमने उनको माला माल कर दिया, एटलीस्ट उनमें से सबको तुम्हें खुदाफिज तो कहना चाहिए। तो ये लो। ये मैं कहाँ आ गई? अरे मैं तो होनोलुलु जा रहा था, यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरी मीटिंग। देखिए अक्की चाहता था कि आप लोग मुझे खुदा हाफिज कहने के लिए यहाँ पर मौजूद हों। अच्छा बाबा खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज, तुमको तो बाद में देखूंगी। नौकर नौकर जो है ना, इसके जाने के बाद तुझे बताऊंगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हो गए तुम खुश कंगले फकीर इंसान। एक मिनट जाने से पहले मैं अक्की की भी एक ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंसान है। इसकी आखिरी ख्वाहिश घर जमाई बनना थी जो पूरी हो गई है। अच्छा भाई कर लो तुम भी अपनी ख्वाहिश। ओहो अक्की हम सब लेट हो रहे हैं, जल्दी करो। वैसे तो मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मुंह से बोलो। अच्छी परी मैं चाहता हूँ कि तुम इन तीनों सेल्फिश लोगों की ख्वाहिशात वापस ले लो। तो ये लो। नहीं। घर जमाई बना घर जमाई।